फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज ही के दिन 20 दिसंबर 2020 को HPSSC ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जो कि है LT का, और जो इसका पोस्ट कोड है वो है 814। तो ये एग्ज़ाम जो मॉर्निंग सेशन में हुआ है, तो चलिए इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे खाली जी के पार्ट। तो जो इसमें जो क्वेश्चन के आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की से अभी ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं है। जो भी मैं आंसर बताऊंगा मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा कि जो मुझे आते हैं और कुछ मैंने नेट से सर्च किए हैं। तो चलिए इसका जो जी के पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू है 136 से, तो इसमें जो क्वेश्चन 136 है कि इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो जो ये किया है, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर की जनसंख्या है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये जीके में भी आ जाता है, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी जून 2020 अवधि के लिए नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। तो ये जो किया है बीजापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 139 कि अभी हाल ही में किस देश ने 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिर को भारतीय सहायता से पुनर्निर्मित किया गया है। तो ये जो किया गया कोई बांग्लादेश का मंदिर है जिसे पुनर्निर्मित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस फैलाव के कारण किस देश ने सभी वन्यजीव आयात पर बीच में ही रोक लगा दी है। तो ये जो लगाई है वियतनाम ने लगाई है, ऑप्शन ए सही है। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये है लॉजिकल क्वेश्चन है उसके रीजनिंग के, तो ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आंसर की आने पे मैं आपको आंसर की सेंड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मैच कर लेना। बाकी इसके बाद जैसे क्वेश्चन 120 है कि किस वर्ष NCERT की स्थापित हुआ था। जो ये हुआ था ये हुआ था 1961 में, तो ये जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 49.27%। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 के, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में चंद्रनहान झील स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला। एक चंद्रताल है और चंद्रनहान है, जो चंद्रताल है वो तो लाहौल स्पीति में है, बाकी जो चंद्रनहान है वो शिमला में है, ध्यान रखना। 123 की घग्गर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो जो है यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास ये जो एग्ज़ाम किसी ने सेंड किया था ग्रुप में आया था, तो जो एग्ज़ाम के पेज है वो इधर उधर है, बाकी आप क्वेश्चन पे फोकस करिए क्योंकि आपको तो क्वेश्चन से ही मतलब है। तो क्वेश्चन 156 है कि कौन सी धान्य फसल है। तो इसे तो ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि जो बाजरा है वो धान्य फसल है, कि बाकी तो मूँगफली कपास अदरक तो हो नहीं सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपकालीन प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 18 भाग, जो इसका भाग 18 है भारतीय संविधान का, वो है अपकालीन प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद 159 ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है जो शुरू हो गया 156 से। उसके बाद 159 क्वेश्चन है कि लोकसभा की महत्तम संख्या, तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 552, लेकिन जो आपको पता है कि जो करंटली है वो 545 है, लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि अधिकतम तो 552 है, कन्फ्यूजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 160, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो आपको पता है कि जो ये स्टील कंपनी SCL इसे ही महारत्न का दर्जा प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 161, जो ये क्वेश्चन ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि आसमान में एक तारा टिमटिमाता दिखाई पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसको अगर इंग्लिश में देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 162 कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसका जो बेकिंग सोडा है उसका नाम ही सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्योंकि बाई से बेकिंग सोडा, बाकी अगर खाली सोडियम कार्बोनेट हो तो आपको बताइए खाने वाला सोडा। तो क्वेश्चन 163 कि रक्त स्कंदन के लिए क्या अनिवार्य है। तो आपको बताइए कि जो जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं वही इनके लिए जरूरी है रक्त स्कंदन के लिए, और प्लेटलेट्स जिन्हें अपनी भाषा में मतलब प्लेटें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 कि वॉश योर हैंड्स विद, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विद, ठीक है, ये तो ईजी था। उसके बाद एंटोनियम ऑफ डेरोगेटरी, तो जो डेरोगेटरी का एंटोनियम है वो है प्रेजिंग, तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 166 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि वन हु इज लाइक एबल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एमीएबल, 166 का है जो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मीनिंग ऑफ द रिम टू हिट द जैकपॉट, तो जो इसका जो होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन बी टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, तो इसका जो हो सकता है वो ये हो सकता है, बाकी मैंने सर्च तो नहीं किया लेकिन मेरे को यही लग रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। और क्वेश्चन 168 पुरस्कार का संधि विच्छेद है, तो जो पुरस्कार का संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी। बाकी पानी उड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो जो पानी उड़ना मुहावरे का अर्थ है वो है कि इसका जो अपराधी सिद्ध होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी कस्तूरी का पर्यायवाची तो खैर मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि ना मैंने पढ़ा भी नहीं है कि कस्तूरी का पर्यायवाची क्या है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी को भी इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट कर देना कि कस्तूरी का पर्यायवाची क्या होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये तो हिंदी मतलब सब्जेक्टिव था जो हिंदी का उसका है। हाँ बाकी 124 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में दून घाटी स्थित है, तो ये जो है ये सोलन में दून घाटी स्थित है, तो ऑप्शन जो 124 का सही होगा वो होगा ऑप्शन बी सोलन। उसके बाद है कि पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो जो ये लगता है ऊना में लगता है पिपलू मेला। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से विक्टोरिया क्रॉस के प्रथम विजेता थे, तो ये तो थे स्वर्गीय जमादार लाला राम जी, तो ये थे जो प्रथम क्रॉस विजेता थे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर राशि राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी, तो ये तो खैर पता ही होगा सभी को कि हरिपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जिन्होंने भी कांगड़ा का इन्होंने मतलब इन सभी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी, जैसे कॉमन क्वेश्चन तो उन्हें मालूम ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविनगढ़ का किला किसने स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था ये वीर प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब्रोन के युद्ध 1846 में सिख पराजित हुए थे, तो ये जो हुए थे ब्रिटिशों से हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था, तो इसमें जो दो ऑप्शन थे आप देख के कन्फ्यूज हो सकते थे कि 6 जून या 4 अप्रैल, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है कि 4 अप्रैल 1905 को, तो ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये जो 1983 में की गई थी। तो आप देख सकते हो कि जो इनमें से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो रिपीट हुए हैं, आज नहीं हुए हैं, 1-2 साल पहले हुए हैं, 2 साल नहीं पहले 3 साल हुए हैं, लेकिन एक ही रिपीट हुए हैं, तो आपको जो मतलब ओल्ड एग्जाम होता है वो आप उन्हें नहीं इग्नोर कर सकते हो। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में साई कोठी जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो इसमें जो कार्यकारी एजेंसी है इसका कुछ आंसर तो मेरे को नहीं मालूम है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर देना कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 की, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर बहरा यूनिवर्सिटी है, तो जो बहरा यूनिवर्सिटी है वो वाकना घाट में है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसार सोना चुकसेन हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, तो इस जो ये लोक नृत्य है किन्नौर के हैं। बाकी आप इन पर फोकस मत करिए कि जो पहले से टिक लगे हैं, क्योंकि जिसने एग्जाम भेजा है उसी ने लगाए होंगे, बाकी जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ वही राइट आंसर है। बाकी हाँ ये और क्वेश्चन है जो है वो है कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें जो पेज है वो फोटो अलग अलग हुई है, सीरियल वाइज नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन 146 का आंसर बता देता हूँ कि सिंधु घाटी के किस स्थान पर गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए हैं, तो जो गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं अमरी में। निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो जो महाजनपद की राजधानी थी वो थी बज्जी, और एक आता है कि कौसाम्बी किसकी थी, जो कौसाम्बी थी वो बस की थी। बाकी ये जितने भी थे 16 जनपद इनके जो पूछे जाते हैं कि कौन सी राजधानी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ट्रिक से या किसी भी तरह नहीं याद करें। शुंग वंश के संस्थापक थे, तो जो शुंग वंश के संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, तो ऑप्शन 148 का ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसे महमूद गजनी ने संरक्षण दिया था, तो फिरदौसी, अलबरूनी, उत्पी, इन सभी को महमूद गजनी ने संरक्षण दिया था, उसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ था 786 पोस्ट पर उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1931, ऑप्शन बी। कोयला एक, तो कोयला आपको मालूम ही होगा कि अपसादी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदली बस्टर स्थानीय हवा चलती है, तो जो ये सरदली बस्टर जो स्थानीय हवा है जो ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिका महासागर के साथ उत्तरी सागर को कौन सा जल डमरू जोड़ता है, तो इसे जो जोड़ता है वो जोड़ता है डोवर जल डमरू, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है वो ऑप्शन में तो नहीं दे रखी है, बाकी जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम जो है मैं आपको बता दूँ वो है सारामती, तो जो सारामती है वो सबसे ऊंची नहीं, सॉरी ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, मेरे को लगा कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो है सारामती, तो इसका जो राइट आंसर है 155 का वो है डी। बाकी ये क्वेश्चन थे जो जीके सेक्शन से थे, बाकी मैं अपने फ़ोन का फ्लाइट मोड ऑन करना भूल गया था, तो अगर किसी को डिस्टर्बेंस हुई हो तो सॉरी।